स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज 11 दिसंबर है और मैं लेकर आया हूं आज के नए करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। सो दोस्तों, जैसा आपको पता है, हमारे करंट अफेयर्स डेली मंडे टू संडे शाम को 6 बजे प्रस्तुत होते हैं और हमारा करंट अफेयर्स सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड होता है। तो आपको इसके लिए रोजाना देखने के लिए करना क्या है, तो आपको लाल बटन वाला सब्सक्राइब बटन दबाना है और प्लस बेल आइकन को दबाना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आपको लाइक करना है और शेयर करना है हमारे वीडियो को। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत की करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन की कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। सो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि स्टार्टअप सूचीबद्ध करने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले मंच का नाम क्या है। तो नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म टू बी लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर लिस्टिंग स्टार्टअप्स। सो इसका नाम क्या है, नव प्रवर्तनक विकास मंच। क्या नाम है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। और अगर सेबी की बात करें तो सेबी इसका पूरा मतलब क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है देश भर में जितने भी इक्विटीज बॉन्ड सिक्योरिटीज होते हैं उनको रेगुलेट करती है, यानी कि पूरे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। तो स्टार्टअप्स के लिए जो इसने लॉन्च किया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो ये क्या है कि ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करेगा। किसको, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चन को कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको यहां पे एक जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते जो हमारे लाइव डिस्कशन डाउट क्लियरिंग सेशन को नहीं देख पाए थे उनके लिए फिर से मौका है। कल 10 बजे हम पिछले हफ्ते के जो डाउट हैं आपके उनको क्लियर करेंगे और ये जो है सुबह 10 बजे आधे घंटे का सेशन होगा, लाइव सेशन, तो देखना इसे बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस किताब किसने लिखी है। सो हु रोट द बुक द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस, तो किसने लिखी है, सुरजीत भल्ला ने जो है ये किताब लिखी है। किसने, सुरजीत भल्ला ने। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये चारों के चारों जो है ये इंटरनेशनल रिप्यूट के इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाले ये अर्थशास्त्री हैं। तो रघुराम राजन ये जो है भारत के 23rd गवर्नर थे। किसके, तो आरबीआई के। किसके गवर्नर थे ये, भारत के 23rd गवर्नर आरबीआई के। उर्जित पटेल जिन्होंने इसको सक्सीड किया था, तो ये जो है 24th गवर्नर थे। किसके, तो ये आरबीआई के। और इन्होंने जो कल जो है सडन रेजिग्नेशन कल शाम को दिया आरबीआई के पद से, और इनका जो है काल, हालांकि कार्यकाल 3 साल का था लेकिन इन्होंने 2 साल के कार्यकाल पे ही रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, और बता दें कि उर्जित पटेल जो है इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से जो है छठे ऐसे आरबीआई के गवर्नर है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और सबसे पहले जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो कौन थे, तो जी हाँ, आरबीआई गवर्नर जो सबसे पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ जो है ये आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे, और सबसे पहले गवर्नर थे जिन्होंने रिजाइन भी किया था। ठीक है, और सुरजीत भल्ला की बात करें तो ये जो है आपका प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जो है एक मेंबर थे, तो इन्होंने भी 1 दिसंबर को जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इनकी बात करें तो ये जो है अभी हाल में ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए। किसकी जगह पे, अरविंद सुब्रमण्यम की जगह पे। तो ये क्या है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, तो यहां देखिए ये रहे सुरजीत भल्ला और इन्होंने प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से जो है इस्तीफा दे दिया। और ये जो प्रधानमंत्री, ये प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल था, ये सितंबर 2007 में इसका गठन किया गया था। इसमें कुल जो है 5 मेंबर थे और इसके अध्यक्ष कौन है, तो विवेक देबरॉय जो कि इकोनॉमिस्ट हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। इससे पहले जो है प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ये यूपीए कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह ने गठित की थी। तो मनमोहन सिंह के दौरान जो है कौन थे पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष, तो ये थे आपके सी रंगराजन। और इनसे पहले जो थे, इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर।
ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पहली भारत में निर्मित कार का नाम बताएं जिसे वैश्विक एनसीएपी से 5 सितारा रेटिंग मिली है। सो नेम द फर्स्ट मेड इन इंडिया कार टू गेट अ 5-स्टार रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल एनसीएपी। सो ग्लोबल एनसीएपी से मतलब क्या है? तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो ये जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है ये क्या करता है कि ये देखता है कि एक्सीडेंट जब हो तो उस दौरान कौन सी कार कितनी सेफ है। तो उसमें जो है पहली भारतीय कार जिसको 5 सितारा रेटिंग मिला है तो वो आपकी कौन है? तो टाटा नेक्सॉन है। कौन है? तो टाटा नेक्सॉन है, ठीक है। और ये जो टाटा नेक्सॉन है ये देखिए ये रही, और ये मात्र जो है ₹10 लाख के अंडर जो है आपको खरीद सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी टाटा नेक्सन, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए अगर हमें इंडिया के अंदर सेफ कार्स को मैन्युफैक्चर करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अग्नि 5 मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ अग्नि 5 मिसाइल? तो क्या है? जी हाँ, 5000 किलोमीटर का इसका रेंज है, और बल्कि ये 5000 किलोमीटर ही नहीं बल्कि 5800 किलोमीटर तक भी इसका रेंज जा सकता है, इसकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है। तो यहां देखिए, तो कल जो है इसको डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे हम लोग विलर आइलैंड के नाम से पहले जानते थे, वहां से 6ठी बार जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। और ये विलर आइलैंड है कहां? तो ये विलर आइलैंड कहां है आपका? ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और बात करें अग्नि 5 मिसाइल की, खास बात क्या है कि ये जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ICBM है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में आराम से फायर किया जा सकता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपको पूरा दायरा दिख रहा है, तो ये इसका बहुत बड़ा दायरा है, ठीक है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये कितनी है? 1350.78 kg इसकी पेलोड कैपेसिटी है, और ये जो है न्यूक्लियर प्लस कन्वेंशनल वेपन दोनों ले जा सकता है। और ये जो है ये रॉकेट, ये जो मिसाइल है ये 3-स्टेज मिसाइल है, और इसका जो फ्यूल है ये क्या है? ये फ्यूल इसका सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है। क्या है? सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है, ठीक है। और बात करें कि अग्नि सीरीज में ये 5वां मिसाइल है, तो बाकी के रेंजेस क्या हैं? अग्नि 1 मिसाइल का रेंज 800 किलोमीटर है, अग्नि 2 का 2000, अग्नि 3 का 3000 किलोमीटर, और ये जो मिसाइल है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। तो उसकी, और ये प्रोग्राम कब आया था? 82-83 के दौरान आया था। और कौन थे इसको लाने वाले? तो जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है, जिन्हें हम लोग मिसाइल साइंटिस्ट के रूप में भी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके दौरान इस प्रोग्राम का गठन किया गया था। तो अब कौन कौन सी है? तो पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस, त्रिशूल सरफेस टू एयर, नाग एंटी टैंक मिसाइल, आकाश एयर टू एयर, और अग्नि इंटरमीडिएट सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और बता दें कि अग्नि, पृथ्वी और जो INS अरिहंत है, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये पूरा जो ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौन से हेलीकॉप्टरों को HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सो विच हेलीकॉप्टर्स यूज्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विल बी रिप्लेस्ड बाय HAL's लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स? तो कौन है? जी हाँ, ए और बी दोनों। सो बोथ ए एंड बी, और ये रिप्लेस किसको करेंगे? चेतक और चीता को। किसको? चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को रिलीज करेंगे। और अगर रुद्र की बात करें तो ये क्या है कि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। क्या है? ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम रुद्र है, ठीक है। अब देखिए, सो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसकी विशेषता क्या है? पहले तो ये 3 टन क्लास का है। कितना है? 3000 kg का। दूसरा, इसको डेवलप कर रहा है रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर। किसका? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, ठीक है। और ये जो है 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, और इसकी जो अपर सेलिंग है कितनी है? 6.5 किलोमीटर है। रेंज है इसका
350 किलोमीटर का रेंज है और जो पेलोड ले जा सकता है कितना है, 400 केजी का ये पेलोड ले जा सकता है। तो HAL को जो है 187 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का जो है डिमांड मिला है, जिसमें से 126 भारतीय सेना को मिलेगा और 61 यानी कि 61 भारतीय वायुसेना को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के अल्पसंख्यकों को भारत द्वारा नागरिकता नहीं दी जाएगी। सो द माइनॉरिटीज ऑफ विच कंट्री विल नॉट बी ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय इंडिया। सो किसको नहीं दी जाएगी, तो जी हाँ, ये श्रीलंका से जो माइनॉरिटीज इंडिया आए हैं उनको जो है क्या है कि भारत सिटीजनशिप या जो है नागरिकता नहीं देगा। तो केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज से नागरिक भारत में 2014 से पहले भारत आए हैं, किससे, 2014 से पहले, तो भारत सरकार जो है उनको नागरिकता देगी। ठीक है, और ये ऐसा क्यों है, तो आइए देखते हैं। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया, कब, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 दिसंबर को सिटीजनशिप रूल 2009 जो है इसको नोटिफाई किया। और ये जो सिटीजनशिप रूल में जो अमेंडमेंट हुए हैं ये किसके तहत हुए हैं, तो ये आपका हुए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 के तहत जो है सिटीजनशिप रूल्स 2009 में संशोधन हुआ है। हालांकि क्या है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 है ये अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास एग्जामिन हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही केंद्र गृह मंत्रालय ने इसको नोटिफाई कर दिया है। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि जो भी 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज से 2014 से पहले भारत आए हैं, कहां-कहां से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उनको जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। और ये 6 माइनॉरिटीज कौन है, तो आपके हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, सिख्स और क्रिश्चियंस। और इसके लिए जो है ये बदलाव कैसे लाया जा रहा है, तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके तहत जो सेक्शन 18 है उसमें बदलाव लाके ये रूल को नोटिफाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि स्विफ्ट इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्विफ्ट इंडिया, तो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अरुंधति भट्टाचार्य जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर चेयरमैन है इनको नियुक्त किया गया है। और ये एमवी नायर को रिप्लेस कर रही हैं, किसको, तो एमवी नायर को। और स्विफ्ट का मतलब क्या है, ये देखिए, ये रही अरुंधति भट्टाचार्य जो कि बहुत ही फेमस फेस हैं। तो स्विफ्ट का मतलब क्या है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले नवंबर में स्विफ्ट डिस्कस किया था, फिर से मैं बता देता हूं कि इसका मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो है न्यूज में कब आया था, जब पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो है फ्रॉड सामने आया था फरवरी मार्च में, तब जो है ये न्यूज में आया था। और उसके बाद आरबीआई ने कहा था कि हर एक जो बैंक है वो स्विफ्ट के थ्रू ही पेमेंट करेगा। ठीक है, ये आरबीआई ने ऐसा निर्देश दिया था। तो इसके तहत क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं बैंकों द्वारा वो जो है स्विफ्ट द्वारा ही फैसिलिटेट होते हैं। और स्विफ्ट क्या है बेसिकली, तो ये IFSC कोड की तरह होता है। तो जैसे IFSC कोड होता है जो कि भारतीय टेरिटरी में लागू है बैंक टू इंटरबैंक ट्रांसफर के लिए, तो वैसे ही स्विफ्ट जो है इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर्स के लिए है। सो स्विफ्ट में जो क्या होता है कि 8 से टोटल 11 कैरेक्टर का कोड होता है, ये यूनिक कोड होता है। और ये क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि SBI का जो ब्रांच है दिल्ली में है, अब क्या है कि US से कोई जो है पैसा भेजना चाहता है SBI के दिल्ली ब्रांच में, तो वो क्या यूज करेगा, पहले तो बैंक का नाम, फिर कंट्री का से IN हो गया, और फिर IND कंट्री का हो गया, और दिल्ली मतलब DE। तो टोटल जो है ये 8 कैरेक्टर का यूनिक कोड होता है जो कि US में जो बंदा है वो SBI ब्रांच जो कि दिल्ली में है वहां ट्रांसफर करने के लिए ये कोड को डालेगा, तो ये क्या है डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। और आपको यहां बता दें कि ये जो क्या है कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि क्या है एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है ये, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि व्हेन इज इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। सो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस सालाना कब मनाया जाता है, तो जी हाँ, ये दिसंबर 11 को हर साल 2003 से विश्व भर में मनाया जाता है।
तो ये देखिए दिसंबर 11 इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो 2018 का विषय है वो है माउंटेन्स मैटर, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन 2002 में डिक्लेयर किया गया और 2003 से सालाना इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। और अगर माउंटेन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये देखिए हमने यहां दिया है कि ये धरती के कुल लैंड सरफेस का 22% जो है माउंटेन कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा विश्व के पूरे फ्रेश वाटर का 60-80% माउंटेन ही प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो जैव विविधता है यानी कि टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है उसका 25% और जो धरती पे जंगल है उसका 28% माउंटेन्स ही कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा जो 20 सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स हैं उनमें से 6 जो हैं माउंटेन्स में ही ओरिजिनेट करते हैं। तो ये कौन कौन है, आपका पोटैटोस, मेज, बार्ली, सोरगम, एप्पल्स और टोमेटोज, ये सारे के सारे माउंटेन्स में ही होते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि नवंबर 2018 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। सो इन विच स्टेट द असेंबली इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड इन नवंबर 2018। तो कहां नहीं हुए थे, ये मणिपुर में नहीं हुए थे। कहां, तो मणिपुर में नहीं हुए थे, और मध्य प्रदेश में हुए थे, छत्तीसगढ़ में हुए थे और मिजोरम में चुनाव हुए थे, प्लस आपका राजस्थान, और फिर आपका किसमें, तो आपका प्लस तेलंगाना में चुनाव हुए थे। और ये हमने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आज जो है 2019 का जो जनरल इलेक्शन है उससे पहले का जो है ट्रेलर है आज। क्यों, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के परिणाम आज जो है घोषित हो चुके हैं लगभग, जिसमें कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाने के सबसे प्रबल दावेदार है। मिजोरम में क्या है, एक रीजनल पार्टी जिसका नाम है मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी MNF, ये जो है 28 सीटों के साथ सबसे आगे है। और तेलंगाना में आपका KCR यानी कि के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है ये बहुमत में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि 2018 में दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है। सो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड इन 2018। तो कौन है ये, तो जी हाँ, अमेरिका जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका, तो आर्म्स एंड एम्युनिशन का, हथियारों का। ठीक है, तो यहां देखिए ये रहा डाटा, और ये डाटा हमने कहां से लिया है, सिप्री से। सिप्री कौन है, तो सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जो है सालाना आर्म से रिलेटेड डाटा प्रोड्यूस करता है। तो उसके हिसाब से आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे है, रशिया नंबर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पे, फ्रांस नंबर 4 पे, और इसकी बात करें तो ट्रांस यूरोपियन जो है नंबर 5 पे दिखाई दे रहा है। अगर लेकिन देश की बात करें तो इटली जो है आपका किस पे है, 5वें नंबर पे है, जापान 6वें नंबर पे, जर्मनी 7वें नंबर पे, इजराइल 8वें नंबर पे, और इंडिया जो है 9वें नंबर पे है। यानी कि आर्म्स प्रोडक्शन में 2017 में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो अमेरिका है। भारत कितने पे है, 9वें स्थान पे है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2018 लिखा है, बल्कि ये क्या है, 2017 का आंकड़ा है। किसका है, 2017 का। ठीक है, इसके लिए हमें यहां पे हम आपसे माफी चाहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पे तो हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त होता है, तो आइए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन बैंक। तो हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन ऑफ द डे का, कि कर्च स्ट्रेट किस देश के बीच विवाद बन गया है। सो कर्च स्ट्रेट हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन विच टू कंट्रीज, ए रूस और बेलारूस यानी रशिया एंड बेलारूस, बी रूस और यूक्रेन यानी रशिया एंड यूक्रेन, सी यूक्रेन और बेलारूस यानी यूक्रेन एंड बेलारूस, एंड डी तुर्की और इटली यानी टर्की एंड इटली। तो दोस्तों आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, हम इसका आंसर कल शाम को 6 बजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को जो भी वीडियो देख रहे हैं, कल सुबह 10 बजे जो है हमारे ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पे आपको चिपके रहना है, क्योंकि 10 बजे हम लोग पिछले हफ्ते का करंट अफेयर्स का जो भी डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक नहीं पूछा है, आज का दिन है, आप हमसे अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो डोंट मिस टुमारोज़
10 AM लाइव सेशन विच विल बी अ डाउट क्लियरिंग सेशन विथ मी, दैट मीन सुरेंद्र पांडे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा, गुड नाइट, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रेस बेल आइकन।